हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब अच्छे हो। आज मम्मी आपको एक टिबेटन नूडल सूप का रेसिपी बताने जा रही है जिसका नाम है थुक्पा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये विंटर्स के शाम को बहुत अच्छा लगता है खाने को, और एक बोल थुक्पा पी लेने से आपका पेट एकदम ही भर जाएगा, और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। होप आप लोग ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ विथ बोन चिकन ले लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक अनियन ऐसा बड़ा टुकड़ा करके, और छह मैं ऐसा क्रश गार्लिक डाल रही हूँ। अभी हम चिकन का स्टॉक बनाएंगे, तो हम इधर थोड़ा ज्यादा पानी देंगे, जितना हम पानी देंगे उसका हाफ हो जाएगा पानी। तो स्टॉक बनाने में थोड़ा ज्यादा पानी डालते हैं, और चिकन को भी हम 30 मिनट्स ऐसा बॉईल करने रख देंगे। तो आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप देख के पानी डालिए कि ये बॉईल होके हाफ हो जाएगा। मैंने गैस को भी चला लिया है, और मैं यहाँ पे 2 लीटर पानी दे रही हूँ, तो ये 30 मिनट्स बॉईल होगा, तो ये पानी पूरा आधा हो जाएगा, तो हमको चिकन स्टॉक मिल जाएगा। फिर बाकी का मैं दिखाती हूँ। ये मैं ढक के अभी पकाऊंगी 30 मिनट्स। फ्रेंड्स, जब तक मेरा चिकन स्टॉक रेडी हो रहा है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का अनियन, 6-7 ऐसा लहसुन की कलियां, एक मीडियम साइज का टमाटर, ये ग्रीन चिली एक, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आप एक और थोड़ा दे सकते हैं, मेरा खत्म हो गया तो मैं इसी से मैनेज कर रही हूँ। हम लेडीज लोग तो मैनेज करने में एक्सपर्ट है, थोड़ा कम ज्यादा चलता है, तो आप और थोड़ा धनिया पत्ता देना। और ये मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आपके पास सेजवान पेपर कौन है तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं ब्लैक पेपर ही डाल रही हूँ। और इसको मैं एक फाइन पेस्ट बना लूंगी मिक्सी के में। मेरा चिकन स्टॉक रेडी है, ये पानी भी आधा हो गया है। मैं चिकन को निकाल के अब ये थोड़ा ठंडा करके मैं श्रेड कर लूंगी चिकन को, छोटा छोटा पीसेस। स्पून ऑयल गरम कर लिया है, और मैंने जो पेस्ट किया था ये अभी मैं डाल लूंगी। मसाला डाल दिया है, इसको मैं 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा भून लूंगी। मिक्सी कप धो के थोड़ा इसका पानी डाल दूंगी, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम में भून लेती हूँ। मैंने ये 3 मिनट तक भून लिया है अच्छे से। मैंने यहाँ चॉप कर लिया है थोड़ा कैबेज, ये कैरेट, थोड़ा बीन्स, और ये कैप्सिकम। आप अपने जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप ये डाल सकते हैं, तो मैं ये सब डाल रही हूँ। और आप इसमें छोटा छोटा पीस ब्रोकोली भी दे सकते हैं। ब्रोकोली देने से आप ज्यादा फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा फ्राई करने से ब्रोकोली उसका ग्रीन कलर चले जाएगा। तो ये सब मैं थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है मसाले के साथ वेजिटेबल। अब मैं इसमें ये चिकन स्टॉक डाल रही हूँ जो बनाया था। मैं चिकन स्टॉक डालने के बाद स्वाद अनुसार ऐसा सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें ये नूडल्स डाल लेंगे, तो नूडल्स के जगह आप स्पैगेटी भी डाल सकते हैं। इसको हम हाई फ्लेम में पकाएंगे। मैं यहाँ ये श्रेडेड चिकन भी डाल रही हूँ। अभी ये नूडल्स के साथ वेजिटेबल्स भी सारे पक जाएंगे, तो मैं ये अभी एक साथ सब
रखूंगी अभी थोड़ी देर, जब तक नूडल्स कुक हो जाएगा। कुक हो गया है नूडल्स, तो मैं गैस को बंद कर रही हूँ और सर्व कर लूंगी। हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चिकन थुप्पा रेडी है, तो अब हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर और थोड़ा सूपी नूडल्स चाहिए या ज्यादा इसमें और सूप चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं बॉईल करते वक्त। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।